इटली में हुए G7 सम्मेलन में पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान पीएम मोदी ने जहां देश में हुए चुनावों का जिक्र किया, तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी एक मंत्र दे दिया। अपने एक दिन के इटली दौरे से पीएम मोदी आज भारत लौट रहे हैं। अपने एक दिन के इस दौरे में उन्होंने कई देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की और भारत के साथ मजबूत साझेदारी पर बातचीत की। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की और ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व मंच पर रखा। इसके बाद उन्होंने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। इटली में G7 से अलग यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को संवाद का मंत्र दिया और कहा, शांति का मार्ग संवाद और कूटनीति से होकर गुजरता है। इटली में हुए G7 कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपने संदेश से एक बार फिर भारत की मजबूत छवि पेश की। आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने हाल ही में खत्म हुए चुनावों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की जनता ने इस ऐतिहासिक जीत के रूप में जो आशीर्वाद दिया है, वो पूरे लोकतांत्रिक विश्व की जीत है। और लोकसभा परिसर से दो मूर्तियों को हटाने के निर्देश ने अब सियासी बवाल मचा दिया है। कांग्रेस का बड़ा दावा है कि मूर्ति हटाने का मकसद सांसदों के विरोध प्रदर्शन को रोकना है। संसद भवन से 13 महान हस्तियों की मूर्ति हटाने को लेकर निर्देश जारी किया गया है। इन 13 मूर्तियों में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर और महात्मा गांधी की मूर्तियां भी शामिल हैं। इन मूर्तियों को अब प्रेरणा स्थल पर लगाया जाएगा। इस निर्देश ने विपक्ष के कई नेताओं की नाराजगी बढ़ा दी है। विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि ये विपक्ष के विरोध पर लगाम लगाने की साजिश है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, इस स्थानांतरण और इसे एक भव्य नाम देने का पूरा विचार ये सुनिश्चित करना है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर आम्बेडकर की मूर्तियां संसद भवन के ठीक सामने किसी प्रमुख स्थान पर न हो, जहां सांसद आवश्यकता पड़ने पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन कर सके और मोदी शासन के साथ उनकी बहुत बार लगभग दैनिक आधार पर आवश्यकता होती है। बीते साल सांसदों ने कई बार बापू और आम्बेडकर की प्रतिमा के आगे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था और विपक्ष का मानना है कि सरकार इसी को लेकर घबराई हुई है। Z News.